किस तरह से सिलबूट सिनेमाज फिलहाल चल रहे हैं और किस तरह से उनका एक्सपेंशन प्लान्स के आप कल्पना कर रहे हैं? अभी तो सारी इंडस्ट्री कह रही है हमारा बिगनर्स लग चल रहा है, हमने शुरू किया और काफ़ी अच्छा 2 महीना बीता है अभी सिनेमा इंडस्ट्री के लिए। ऑपरेशनली हम ब्रेक इवन भी कर चुके हैं और करीब 18 लोकेशंस हैं पाइपलाइन में अभी, और होपफुली 100 का टारगेट है इस महीने अचीव हो जाएगा हमारा। सो विद 100 इन लेस देन 90 डेज ऑफ बीइंग ऑपरेशनल इज़ अ वेरी गुड नंबर आई वुड से। आई डाउट एनी अदर सिनेमा चेन हैज ग्रोन सो फास्ट, सो वी आर वेरी हैप्पी विद दैट। बट द फोकस राइट नाउ इज नॉर्थ इंडिया। अभी तक आपने दिल्ली, वडोदरा ऐसे कुछ सेंटर्स में आपके थिएटर्स खुले हैं, और कहाँ कहाँ प्लान है बाकी और शहरों में उससे? सो अभी फोकस एज आई सेड नॉर्थ इंडिया है, और कुछ हम और प्रोजेक्ट्स बॉम्बे के आसपास भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। गुजरात विल बी अनदर यू नो इम्पॉर्टेंट स्टेट फॉर एक्सपेंशन। साउथ की प्लानिंग अभी नहीं है, बट नॉर्थ इंडिया फोकस रहेंगे अप टू महाराष्ट्र तक। पोस्ट कोविड बहुत अच्छा फेज नहीं रहा, लेकिन अब एक बढ़िया फेज चालू हुआ है, क्या कहना चाहेंगे सिनेमा इंडस्ट्री की, कितना बढ़िया ये फेज है स्पेशली क्योंकि आप यही ज़्यादा कटल करते हैं? सर ऐसा है, जो इंडस्ट्री है अगर लोगों को आप अच्छा कंटेंट बना के अगर थिएटर तक ले आओ तो शायद कोई और इंडस्ट्री इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अच्छा कंटेंट नहीं बनेगा तो लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे। हमारा रोल एज ए एग्जिबिटर उसमें कुछ भी नहीं है, इंडस्ट्री का रोल है, और शायद इंडस्ट्री इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुकी है। जो मूवी अभी इस साल की लाइनअप है या नेक्स्ट ईयर की लाइनअप है, आई एम श्योर इट्स बेटर देन एनीथिंग एवर मेड इन इंडिया, तो वो है। और हॉलीवुड भी काफ़ी सपोर्ट करेगा आने वाले टाइम में, जो लार्जर देन लाइफ मूवीज़ होंगी वही आएंगी थिएटर्स में, बिकॉज थिएटर डिजर्व करना पड़ेगा मूवीज़ को, अदरवाइज थिएटरिकल रिलीजेज नहीं होंगे। सो आई थिंक आने वाला टाइम हम तो बहुत बुलिश है इस इंडस्ट्री को लेकर। सर विकास जी आपसे जानना चाहेंगे, बिजनेस हैंड है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से रहा है सिनेपोर्ट सिनेमा फिलहाल आपके लिए और किस तरह से आप आगे अप्रोच कर रहे हैं? देखिए कोविड में स्टार्ट किया था हमने, कोविड के टाइम पे हम लोग इस वक्त सिनेपोर्ट का नाम जो है हर बिल्डर की जुबान पे है, ये हमारी अचीवमेंट है। 69 स्क्रीन्स हम खाली डेली NCR में ही साइन कर चुके हैं, 69। अब थोड़े दिनों में आप हमें यूपी में देखेंगे, यूपी में यूपी के सारे बड़े बड़े शहर, पंजाब में अब हमें देखेंगे, बड़ी जल्दी देखेंगे। और अभी अभी तो हमने स्टार्ट किया, ये जो था वो टाइम था जब हमारा कोई सिनेमा नहीं था, हमने इतना साइन किया। अभी आप ये समझिए सफ़र अब चालू हुआ है। सो दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, हमारी कुछ सिस्टर कंपनीज हैं जो एज अ ग्रुप कंपनी हमें बहुत आप कह सकते हो कि इमीडिएटली किसी कंपटीशन से बेहतर बना देती है। हमारी एक कंपनी है जो फूड बिजनेस में है, उसकी वजह से जब भी हम किसी डेवलपर के साथ डील करते हैं तो इंटरटेनमेंट और फूड का एक पूरा पैकेज ऑफर करते हैं हम डेवलपर्स को, जो कि हमारे अलावा अभी कोई और ग्रुप नहीं है जिसके पास है। और आज मॉल में ट्रैफिक लाने का सबसे बड़ा रीज़न फूड और इंटरटेनमेंट ही है, लोग शॉपिंग के लिए नहीं आते। शॉपिंग आज एज एन एडिशनल एक्टिविटी हो जाती है कि लोग आ रहे हैं तो साथ साथ शॉपिंग भी कर लें, अदरवाइज जो फूड और इंटरटेनमेंट का कॉम्बिनेशन है ये इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा काम साथ में कर रहा है। फूड आप मान लो घर पे ऑर्डर करते हो वो एक्सपीरियंस, और जब आप जाके कहीं रेस्टोरेंट में खाते हो वो एक्सपीरियंस आपको क्लियर डिफाइन कर देगा कि क्या डिफरेंस है। सेम चीज़ होता है OTT और थिएटर में भी, जो हमारा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, हम सबसे ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं लास्ट 2-2.5 साल से, हर आदमी घर में बैठा है, ज़्यादा टाइम मोबाइल डिवाइसेस पे बिता रहा है, लेकिन आपको कुछ याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप याद करने की कोशिश करो कि लास्ट कौन सी मूवी आपने थिएटर में देखी होगी, तो शायद आपको ये भी याद होगा कि किसके साथ देखी है। वो जो एक्सपीरियंस है ना वो सेम है जैसे होम डिलीवरी में फूड का एक्सपीरियंस होता है, उसी तरीके से OTT हो या कोई भी डिवाइस हो जिससे आप घर में बैठ के देख रहे हो, वो एक्सपीरियंस मैच नहीं कर सकता। इसी वजह से जब भी लोगों के पास समय होगा और वर्दी फूड या वर्दी कंटेंट होगा, लोग घर से बाहर निकलेंगे।
हम घर बैठ करके नहीं जी सकते। ऑफ कोर्स ओटीटी की आपने बात की है, ओटीटी को एक वक्त पे ऐसा तक कहा जा रहा था कि ओटीटी सिनेमा बिजनेस को खा जाएगा। क्या करते हैं अभी जो सिचुएशंस, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी काफी ज्यादा So, जब VHS आया था तब भी कहते थे कि सिनेमा इंडस्ट्री को खा जाएगा VHS, ऐसा नहीं हुआ। जब इंटरनेट आया तब भी लोग कहते थे, जब DVDs आए तब भी लोग कहते थे, TV आया तब भी लोग कहते थे। हमेशा हमने यही देखा है कि इन सबके आने से एक और मीडियम ऐड हो जाता है, इंडस्ट्री और ज़्यादा रीजन में आ जाती है कि और ज़्यादा कंटेंट डेवलप करें, बिकॉज और भी ज़्यादा चैनल्स बन जाते हैं टू सर्व। अगर मान लो केवल TV है तो आप केवल TV के लिए बनाओगे, तो TV के साथ साथ इंटरनेट है तो TV इंटरनेट दोनों के लिए बना रहे हो। आपको याद है जो पहला OTT बना था वो YouTube पे बना था, याद है आपको? लेकिन आज आपको शायद याद नहीं होगा क्योंकि इतना आ चुका है उसके बाद कि आपको याद भी नहीं होगा। तो यही डिफरेंस है। OTT हम कहते हैं कंटेंट ओवरलोड है। जब आपके हाथ में कंटेंट होता है ना तो आप कुछ ये देख लेते हो, कुछ ये देख लेते हो, एक्सपीरियंस के लिए नहीं, टाइम काटने के लिए देखते हो। थिएटर एक्सपीरियंस के लिए आते हो आप। तो कोई चीज़ किसी को ख़त्म नहीं करती, सबका अपना अपना ऑडियंस बन जाता है। हो सकता है जो आज की नई जनरेशन आने वाली है वो 80% टाइम घर पे OTT पे देखना पसंद करे। वंस इन अ वाइल जब वैसा एक्सपीरियंस कोई हॉलीवुड की मूवी या कोई इंडियन मूवी लेके आएगी तब वो निकल के आएगी, बट सबकी जगह रहेगी। आप देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़ और बनेंगी आने वाले टाइम में। जी, लाजेदर सिनेमा की बात करें, गदर है, पठान है, अभी जवान है, काफ़ी बढ़िया चले, तो इससे सिनेमा बिजनेस को कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि काफ़ी सिनेमा को कोविड में बंद भी हुए हैं, क्या कहना चाहिए? सो लास्ट 2 महीने में आपने देखा ही होगा PVR INOX के शेयर मार्केट्स में क्या चल रहा है। आई थिंक मूवी से ज़्यादा तो उन्होंने शेयर मार्केट में कमा लिया है। तो वो जो कॉन्फिडेंस मार्केट में वापस गया है, इट्स वेरी गुड फॉर द इंडस्ट्री। और ये दोनों तरफ से है। देखो, हम कंटेंट नहीं बनाते, लेकिन जो कंटेंट बनाते हैं वो भी अगर पैसा कमाएंगे तो उस पैसे को दोबारा इसी इंडस्ट्री में लगाएंगे। आज अभी मैंने देखा था कि 100 करोड़ का चेक मिला था रजनीकांत जी को, तो आई एम श्योर किसी ने कमाया है तभी वो 100 करोड़ का चेक दिया है। वो 100 करोड़ का चेक देख के पूरी इंडस्ट्री को फ़ायदा मिलेगा। मैं इंटरनेट इंडस्ट्री से मैंने अपना करियर शुरू किया था, उस समय hotmail.com सबीर भाटिया ने बेचा था माइक्रोसॉफ्ट को। कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट को उसने बेचा तो पूरा वर्ल्ड में .com रेवोल्यूशन शुरू हो गया, बिकॉज सबको लगा कि हम कंपनी बना के किसी को बेच सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो जब भी कुछ मॉनेटरी बेनिफिट आता है तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री इंसेंटिवाइज हो जाती है और अच्छा काम करने के लिए। जबकि मैंने जेलर देखी है, आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द इंटायर मूवी, बट एट द सेम टाइम अगर कस्टमर जो है, जो ऑडियंस है, वो कनेक्ट कर रहा है, उतना ही मूवी में बनाना चाहिए कि ऑडियंस कनेक्ट करे, लोग पसंद करेंगे, सब पैसा कमाएंगे। जिसे आप एग्जीबिटर भी हैं, फिल्में दिखाते हैं, तो ऑफ कोर्स इश्यूज भी होते हैं फिल्मों को लेकर, ये फिल्म दिखाए, वो फिल्म दिखाई, बहुत सारी फिल्में होती, तो वो सब चीज़ों को रिपोर्ट सिनेमा किस तरह से डील करता है? सो अभी हम अर्ली हैं, अभी अर्ली हैं डेज में, तो अभी हम प्रोग्रामिंग पे पूरा कंट्रोल हम अभी नहीं एक्सरसाइज कर रहे। 6 महीने के अंदर हमारा प्लान है कि हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने प्लेटफॉर्म में, जहाँ हमारी प्रोग्रामिंग जो है थोड़ी हटके होगी लोगों से। कुछ मूवीज़ हैं जो कभी थिएटर तक नहीं आ पाती, हमारा प्लान है एज अ सोशल प्लस बिजनेस भी है, कुछ नई चीज़ दिखाना चाहते हैं। कुछ पुरानी मूवीज़ को भी हम एक प्लेटफॉर्म पे, एक स्केड्यूल पे, कैलेंडर के बेसिस पे करना चाहेंगे, ताकि जो ओल्डर जनरेशन है, अब जैसे मम्मी अपने, आप खुद ही देख सकते हो कि आप अपने मम्मी पापा के साथ कितनी मूवीज़ बैठ के देख सकते हो, तो आप कुछ वैसी चीज़ें चाहोगे कि वो टाइम फिर जीने को मिल जाए अपने माँ बाप के साथ, क्योंकि पता नहीं लाइफ कितनी है उनकी। तो हर आदमी चाहता है कि वो एक्सपीरियंस एक बार और करने को मौका मिले, जो नहीं मिल रहा। तो अगर हम ऐसा कुछ कर पाए तो वी विल बी हैप्पी। अब 6 महीने के बाद हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्रामिंग कंट्रोल करें, थोड़ा लाइव सिनेमाज अगर एक डिसेंट नंबर हमारा आ जाता है तो देन वी विल। लास्ट ही सवाल कि जैसे ऑडियंस के लिए क्या कुछ रहेगा सिनेपोर्ट सिनेमाज में, या क्या कुछ फिल्म बेनिफिट्स है जो लोग सिनेपोर्ट सिनेमा में आके फिल्में देखेंगे? सो मैंने जब ये सिनेमा प्लान किया था तो एज एन ऑडियंस ही प्लान किया था, और जी हाँ, तो एज एन ऑडियंस हमने प्लान किया था इस सिनेमा को, और मैं खुद फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाला आदमी हूँ। अगर कोई भी मूवी मैं नहीं देखता हूँ फर्स्ट डे फर्स्ट शो, तो मुझे ऐसी फील आती है कि अब वो पुराना हो गया और मैं फिर देख नहीं पाता। आई एम नॉट श्योर कितने लोग ऐसे फील करते हैं, बट जो यूफोरिया है मूवी का हमेशा से यही रहा है। अब ब्लैक टिकट्स होते थे पहले, अब तो चलो नहीं होते, बट एक टाइम पे मैं सोचता था कि ऑनलाइन बिडिंग क्यों नहीं होती। सो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि करी जा सकती हैं, अगेन लीगल फ्रेमवर्क कितना अलाउ करता है। एक चीज़ हमने जो छोटा स्टेप लिया अपने सिनेमा में वो ये लिया कि हमने ये सोचा कि यार
एक टिकट कोई खरीद के आता है सिनेमा में, तो एज अ वेलकम जेस्चर हम उसको एक पॉपकॉर्न फ्री में दें. एंड वी आर हैप्पी टू से दैट कि हमने ऐसा किया. तो काफ़ी लोगों ने हमें ये भी कहा कि इससे आपकी एपीसी कम हो जाएगी, आपको लोग फूड ज़्यादा नहीं खर्च करेंगे. आई एम श्योर हमारी टीम ने ये प्रूव कर दिया कि ऐसा नहीं है. जब आप लोग किसी को वेलकम करते हो, इसका मतलब उसकी इंगेजमेंट आपके प्लेटफॉर्म से बेहतर होती है. सो एज अ सिनेमा चेन वी वॉन्ट टू बी द बेस्ट कस्टमर सर्विस प्लेटफॉर्म एवर. कस्टमर को ये फील होना चाहिए कि दे आर वेलकम. जो ऑडियंस है उसको फील होना चाहिए कि हमने उनको चीट नहीं किया है, और वो खुशी से उस जगह से जाएं. उनको इंगेज करना बहुत ज़रूरी है. तो उसके लिए कस्टमर डिलाइट के लिए जो हम कर सकते हैं प्लेटफॉर्म में प्लान करेंगे. अगेन अभी अर्ली डेज हैं, हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, विद टाइम देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट से क्या फ़र्क पड़ता है. जी विकास जी, आपसे भी आते सवाल है. ऑफ कोर्स ब्रेक इवन हो चुका है जैसे अभी पता चला. हाँ जी. मुझे ये जानना है कि जो छोटी छोटी फिल्में होती है जिन कई बार सपोर्ट की जरूरत होती है, ऐसी फिल्में दिखाना कितना ज़रूरी है, और ऐसी फिल्मों से क्या कितना आपको मॉनिटरी फ़ायदा होता है, क्योंकि कई सारे लोग कई सिनेमा नहीं दिखाते हैं, आपको भी पता होगा. उस बारे में अगर आप कुछ हाई कर सकें इसके बारे में तो सरी जवाब देंगे इसका. तो मैंने यही कहा आपको कि अभी अर्ली डेज है. अभी हमारा एक लोकेशन लाइव है, एक और लोकेशन अक्टूबर में लाइव होगा. तो ये अभी कभी काफ़ी छोटा है टू डू ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स. बट यस, एज अ प्लेटफॉर्म वी बिलीव इन यू कैन से प्रमोटिंग दोज काइंड ऑफ फिल्म मेकर्स जिनका शायद बजट अलाउ नहीं करता या बैकग्राउंड अलाउ नहीं करता कि उनको एक बड़ा ऑडियंस मिले. मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जैसे आप ऐसे देखो कि बड़ी कंपनी स्टार्टअप्स में क्यों पैसा लगाती है. अल्टीमेट गोल है इकोसिस्टम को ग्रो करना. अगर आप एक अच्छे फिल्म मेकर को उसका पहला चांस दोगे तभी वो दूसरी मूवी बना पाएगा, नहीं तो एक अर्ली मोर्टैलिटी हो जाएगी इंडस्ट्री में. तो एज अ फिल्म मेकर हमको भी उनका कंटेंट चाहिए. उनको आज हम एक पहला मौका देते हैं, कल वो बड़े स्टार बनते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो ऑफकोर्स वो हमें भी फ़ायदा मिलेगा उनके उस अर्ली रिलेशनशिप को डेवलप करने से. तो हम ज़रूर करना चाहेंगे, वो हमारे प्लान का पार्ट है. हमारी पूरी टीम अगर आप देखो तो सब फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो दे हैव ऑल बीन डूइंग दिस फॉर मेनी मेनी इयर्स. और एज अ बिजनेस भी इट मेक्स बिजनेस सेंस टू डू दैट. इट्स नॉट जस्ट अ चैरिटेबल प्रोजेक्ट, बट इट ऑल्सो समथिंग दैट गिव्स यू इन अ मार्केटिंग आरओआई इफ नथिंग एल्स. सफ़र चालू हुआ है, ये बड़ा लंबा और बड़ा सुंदर सफ़र रहेगा सिनेपोर्ट का.